हाय फ्रेंड्स, आई एम आकांक्षा। आज मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट लेके आई हूँ जीके के। ये जो फैक्ट हैं, जो लास्ट 20 ईयर्स में जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं उसमें जो भी क्वेश्चन आते रहे हैं उनको मैंने एक जगह पे कलेक्ट कर लिया है, जिसमें से मैं आपको 30-30 क्वेश्चंस करके उनको कंप्लीट कराऊंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको क्वेश्चन पढ़ने से ही लगेगा कि ये वह क्वेश्चन है जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और किसी न किसी एग्ज़ाम में हमेशा आते ही रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई में है। भारत का ज्वारीय बंदरगाह किसे कहते हैं? जो ज्वार आते हैं जो समुद्र में, उनके कारण जो मतलब स्पेस बन गया है उसके कारण जो बंदरगाह बना है वह है ज्वारीय बंदरगाह। तो ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? कांडला। सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई और ज्वारीय बंदरगाह है कांडला। इसके बाद ये लोक नृत्य और त्यौहार हैं, जो सरहुल नृत्य है वो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, बिहू असम का लोक नृत्य है, यक्षगान जो ये एक त्यौहार भी है जो कि फसल खेती खेती आने पर जब फसल अच्छी होती है तब मनाया जाता है, यक्षगान जो नृत्य है कर्नाटक का है, चटकुला उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश में जो ब्रजभूमि है जो कान्हा जी की है वहाँ पे ये चटकुला नृत्य होता है, छबेली जो नृत्य है वह उत्तराखंड में होता है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली में है। बाल गंगाधर तिलक कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। ये बहुत बड़े क्रांतिकारी थे लेकिन ये कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं बने हैं। गोपाल कृष्ण गोखले को महाराष्ट्र का हीरा कहा जाता है। क्वेश्चन आता है महाराष्ट्र का हीरा किसे कहते हैं? तो गोपाल कृष्ण गोखले को महाराष्ट्र का हीरा कहा जाता है। भगत सिंह ने इंकलाब शब्द का इंकलाब जिंदाबाद को लोकप्रिय बनाया था। भगत सिंह का नारा था इंकलाब जिंदाबाद, लेकिन इन्होंने इंकलाब शब्द को लोकप्रिय बनाया था, लेकिन अपनी पुस्तक में सबसे पहले इसका प्रयोग इकबाल ने किया था। इकबाल की पुस्तक थी बगे दर्रा। बगे दर्रा में उन्होंने सबसे पहले इंकलाब शब्द का प्रयोग किया था। मोहम्मद इकबाल ने सारे जहाँ से अच्छा भी गान जो उनको भी शब्दों में लिखा है, तो मोहम्मद इकबाल ने अपनी पुस्तक बग ए दर्रा में पहली बार इंकलाब शब्द का प्रयोग किया। एर्नाकुलम जो कि केरल का एक ज़िला है, ये भारत का पूर्ण साक्षर और बैंकिंग ज़िला बना है। एर्नाकुलम जो केरल में है भारत का पूर्ण साक्षर और बैंकिंग ज़िला है। कांगो नदी विषुवत रेखा को दो बार काटती है। कांगो नदी विषुवत रेखा को दो बार काटती है। एक है लिम्पोपो, लिम्पोपो नदी भी है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को दो बार काटती है। तो याद रखिएगा, जो कांगो नदी है वो विषुवत रेखा को दो बार काटती है, तथा तो जो लिम्पोपो नदी है वह मकर रेखा को दो बार काटती है। विशेष आर्थिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोलते हैं जिनको, कि सबसे पहले अवधारणा चीन से आई। तो विशेष आर्थिक जोन SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की सबसे पहले अवधारणा कहाँ से आई? चीन से आई। जो ग्रेसम का नियम है वह मुद्रा से संबंधित है। यह अर्थशास्त्र का एक क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रेसम का नियम काय से संबंधित है। तो जो ग्रेसम का नियम है वह मुद्रा से संबंधित है। इसके बाद है माल्थस का सिद्धांत। माल्थस का सिद्धांत है वो जनसंख्या से संबंधित है। याद रखिएगा, ग्रेसम का नियम मुद्रा से संबंधित है तथा माल्थस का नियम जनसंख्या से संबंधित है। ग्रेसम का नियम मुद्रा से संबंधित है तथा माल्थस का सिद्धांत जो है वह जनसंख्या से संबंधित है। गांधी जी ने केवल दूसरे सम्मेलन में, जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तो उसके गांधी जी ने केवल दूसरे सम्मेलन में भाग लिया था, लेकिन भीमराव अंबेडकर ने तीनों ही सम्मेलन में भाग लिया था। याद रखिएगा, गोलमेज जो सम्मेलन हुए थे 1930 से 1932 के बीच में, उसमें गांधी जी ने केवल दूसरे सम्मेलन में भाग लिया था, जबकि अंबेडकर ने तीनों सम्मेलन में भाग लिया था। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की, जो नेपोलियन थे
नेपोलियन की एल्वा से पेरिस की यात्रा से की। गांधी जी ने कि सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एल्वा से पेरिस की यात्रा से की। याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एल्वा से पेरिस की यात्रा से की। प्राचीन समय में बर्मा, जो कि अभी म्यांमार के नाम से जाना जाता है, प्राचीन समय में बर्मा को सुवर्ण भूमि भी कहा जाता था, मतलब सोने की भूमि। प्राचीन समय में बर्मा को सुवर्ण भूमि भी कहा जाता था। पाटलिपुत्र के जो अवशेष हैं, पाटलिपुत्र जो अभी वर्तमान में पटना कहा जाता है, पाटलिपुत्र के जो अवशेष हैं वो कुम्हार गांव से मिले हैं। मौर्यों का बहुत ही प्रसिद्ध स्थल था जिन्होंने इसको बसाया था। उदयन जो थे इन्होंने इसकी पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। उदयन जो थे उन्होंने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। तो पाटलिपुत्र के जो अवशेष मिले हैं वो कुम्हार गांव से मिले हैं। एक आता है कि हिंदू मुस्लिम का मिला जुला जो मिक्सचर है वो किस वाद्य यंत्र को कहा जाता है, तो जो सितार वाद्य यंत्र है वो हिंदू मुस्लिम शैली का उदाहरण देखने को मिलता है। सितार वाद्य यंत्र में हिंदू प्लस मुस्लिम शैली की झलक दिखती है। गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा। आता है कि जफरनामा को फारसी में किसने लिखा या गोविंद सिंह ने क्या लिखा, तो गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा। गोविंद महल जो है, गोविंद महल दतिया में है, दतिया मध्य प्रदेश के दतिया में गोविंद महल है। यह हिंदू वास्तुकला का अच्छा उदाहरण है। गोविंद महल दतिया में है, यह हिंदू वास्तुकला का अच्छा उदाहरण है। प्राचीन काल में पहला जो विदेशी आक्रमण हुआ था वह ईरानियों द्वारा हुआ था। प्राचीन काल में पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों द्वारा हुआ था। भारत में, विश्व में यूरेनियम के सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, विश्व में यूरेनियम के सबसे ज़्यादा जो भंडार पाए जाते हैं वो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। विश्व वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। पंचशीर घाटी अफगानिस्तान में है। याद रखिएगा, अफगानिस्तान में पंचशीर घाटी है। भारत में लवणीय मृदा का, मतलब नमक, भारत में लवणीय मृदा का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कहाँ पाया जाता है, गुजरात में। गुजरात तटीय क्षेत्र, गुजरात की तटरेखा बहुत लंबी है, तो यहाँ पे नमक भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। भारत का सबसे ज़्यादा नमक यहीं पाया जाता है, तो यहीं पे ही नमक से, याद रखिएगा, यहीं पे लवणीय मृदा पाई जाती है, तो इसलिए लवणीय मृदा का सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वह गुजरात में पाया जाता है। भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या नगर में रहती है, तो भारत की 27.8% जनसंख्या नगर में रहती है। भारत की 27.8% जनसंख्या नगर में रहती है। फुटबॉल को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया, तो फुटबॉल को ओलंपिक खेलों में 1908 में शामिल किया गया। याद रखिएगा, फुटबॉल को ओलंपिक खेलों में 1908 में शामिल किया गया। कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग फलों को पकाने में किया जाता है। बहुत सारे ऐसे केमिकल हैं जिनका उपयोग अलग अलग चीज़ों के लिए करते हैं, जैसे कि एथिलीन है, उसका उपयोग गुब्बारों को फुलाने में भी करते हैं। हीलियम का उपयोग किया जाता है गुब्बारों को फुलाने के लिए, क्योंकि हीलियम बहुत ज़्यादा हल्की होती है। शुक्र ग्रह को प्रेशर कुकर ग्रह भी कहा जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है प्रेशर कुकर ग्रह किसे कहते हैं, तो जो शुक्र है उसे प्रेशर कुकर ग्रह कहा जाता है। जो शुक्र ग्रह है उसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। इसके बाद इसको भोर का तारा भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि शुक्र को प्रेशर कुकर ग्रह कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हैं आज के क्वेश्चंस हैं। इसके आने आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं इनको आपको थोड़ा थोड़ा करके कवर कराऊंगी। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और इन्हीं में से ही आने वाले कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।